गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो टुडे इज 23rd ऑफ डिसम्बर एंड लेट्स स्टार्ट विद द डेली हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। ओके, तो जो हमारी आज की फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज अबाउट द अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज ऑफ सैटेलाइट्स। ओके, तो जो सैटेलाइट्स हम लॉन्च कर देते हैं कि वो फिर अर्थ पे जब एंटर करते हैं तो वो क्या उनको कंट्रोल्ड होते हैं, अनकंट्रोल्ड होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं तो क्या होता है, अनकंट्रोल्ड होते हैं तो क्या होता है, तो ये सब कुछ इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम इसको थोड़ा सा जूम करके पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि द फिनोमिना ऑफ रॉकेट पार्ट्स फॉलिंग बैक टू अर्थ इन अनगाइडेड फैशन वन देयर मिशंस आर कंप्लीट। ओके, तो ये तो हमें भी पता है कि जब कोई एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तब उसका प्रॉपर जो है वो गाइडेंस होता है कि कैसे लॉन्च होगा, स्टेजेस होते हैं, है ना, देयर आर मेनी स्टेजेस एंड एवरीथिंग। बट अब जब ये स्टेजेस होते हैं, ठीक है, तो सपोज सैटेलाइट्स जो एक कोई सैटेलाइट है वो 3 स्टेजेस में लॉन्च हो रहा है, तो जब वो पहली स्टेज पे गया, पहला स्टेज जब उसका ख़त्म हुआ, तो पहला स्टेज मतलब वो जाना उसने वहीं पे है लेकिन वो यहाँ पहुँचने के लिए 3 स्टेजेस लेगा। तो जब वो फर्स्ट स्टेज यहाँ पे ख़त्म हुआ तो उसका कुछ जो पार्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे है वंस एन स्टेज हैज़ इंक्रीज द रॉकेट्स ऑल्टीट्यूड द एंड सर्टन अमाउंट रॉकेट शेड्स इट, रॉकेट उसको शेड कर देता है स्टेज को। ओके, तो अब ये जो स्टेज है ये कहाँ जाएगा, ठीक है, ये दोबारा से अर्थ पे एंटर करेगा, अर्थ की ग्रेविटी में एंटर करेगा, और अर्थ की ग्रेविटी में एंटर करने के बाद अब ये कहीं पे भी लैंड कर सकता है, लैंड में भी गिर सकता है, ओशन में भी गिर सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि ये जो स्टेजेस हैं या फिर ये कहाँ जाती हैं, ओशन में, क्योंकि अर्थ के ऊपर ज़्यादा जो है वो ओशन है एज़ कम्पेयर टू लैंड। बट कई बारी हमने पास्ट इंसिडेंसेस ऐसे देखे भी हैं कि ये लैंड के ऊपर भी जाके गिरा और लैंड के ऊपर कुछ कैजुअलिटीज़ भी हुई। ओके, तो अब नंबर ऑफ सैटेलाइट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ये हमारा लॉन्चिंग का प्रोग्राम भी जो है ये बढ़ता जा रहा है, तो अब इसको एक इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रोल करना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे री एंट्री के लिए भी कोई ना कोई एक ट्रिटी होनी चाहिए, एक नेगोशिएशंस होनी चाहिए ताकि री एंट्री को भी ट्रैक किया जा सके। ऐसा नहीं है कि हम री एंट्री को ट्रैक नहीं कर सकते। इंडिया का जो सैटेलाइट है राइसेट, उसको जब री एंटर होना था उसकी ये जो स्टेट्स को, तब इंडिया ने उसको बहुत अच्छे से ट्रैक किया और बहुत अच्छे से मॉनिटर भी किया। ओके, तो ये सब कुछ इस आर्टिकल में बताया गया है, हम पढ़ते हैं। देखो, द सोवियत यूनियन, हमें पता है कि जो फर्स्ट सैटेलाइट था दैट वाज लॉन्च्ड इन 1957 बाय द सोवियत यूनियन, जो उस टाइम पे आज रशिया है उस टाइम पे सोवियत यूनियन था। एंड टुडे देर आर मोर देन 6,000 सैटेलाइट्स इन द ऑर्बिट, मोस्ट ऑफ आर इन लो अर्थ ऑर्बिट। 3 ऑर्बिट्स होते हैं, लोअर, मीडियम एंड हाई, है ना। तो लो इज 100 to 2000 किलोमीटर, मीडियम जो होता है आपका वो 35,000 किलोमीटर तक होता है, एंड दिस इज 35,786 किलोमीटर। दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी मतलब देखो इनके नाम से ही है, जियो स्टेशनरी। जियो मीन्स अर्थ, स्टेशनरी मीन्स एक ही पॉइंट पे फिक्स्ड, है ना। तो जब भी आप इन सैटेलाइट्स को अर्थ से देखोगे तो ये आपको एक ही पॉइंट पे फिक्स दिखाई देंगे। जितने भी नॉर्मली हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं तो उनमें हम ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स जो हैं यूज करते हैं। ओके, तो वंस अ स्टेज हैज इंक्रीज द रॉकेट्स ऑल्टीट्यूड एंड वेलोसिटी द रॉकेट शेड्स इट, एंड में क्या होता है, स्मॉलर इंजन देन मूव्स द पेलोड टू अ फाइनल ऑर्बिट। ओके, रॉकेट स्टेजेस कम डाउन बैक इन अ कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड वे, दोनों में ही हो सकते हैं। आपको यूपीएससी से पूछ सकता है कि इसका कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इंडिया के पास भी इसको ऑलरेडी कंट्रोल्ड मैकेनिज्म है। What is an uncontrolled entry? The rocket stage simply falls. Its path down is determined by its shape, angle or descent, air currents and other characteristics. Okay, कि ये कहाँ पे आएगा, जैसे ही अर्थ की ग्रेविटी में एंटर करेगा तो ये कहाँ पे जाके फेल डाउन करेगा, ये इन कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इट विल ऑल्सो डिसइंटीग्रेट एज इट फॉल्स। ओके, सम पीसेज बर्न अप, कुछ जो छोटे पीसेज होंगे वो जैसे ही ग्रेविटी में री एंटर करेंगे वो बर्न अप हो जाएंगे, बट कुछ बड़े जो लार्ज पीसेज होते हैं वो नहीं बर्न कर पाएंगे एंड वो एज अ डेब्रिस अर्थ के सरफेस के ऊपर आकर गिरेंगे एंड दैट डेब्रिस कैन बी डेडली। ओके, एन इम्पैक्ट एनी वेयर ऑन एन एयरलाइनर विद द डेब्रिस ऑफ मास अबव सिर्फ 300 ग्राम से भी ज़्यादा का मास होगा अगर किसी भी डेब्रिस का, इट कैन लीड टू अ कैटास्ट्रॉफिक फेलियर, मीनिंग ऑल द पीपल ऑन द बोर्ड विल बी किल्ड। ओके, मोस्ट रॉकेट पार्ट्स हैव बीन लैंडेड इन ओशंस,
प्रिंसिपली बिकॉज अर्थ सर्फेस हैज मोर वाटर देन लैंड, ये हमें पता ही है, बट मेनी हैव ड्रॉप्ड ऑन लैंड एज वेल। तो अब ये क्यों वरिड है, अभी हमने कुछ टाइम पहले 2022 में चाइना का भी एक सीन हुआ था कि चाइना का एक जो रॉकेट है वो अनकंट्रोल्ड हो गया था, तो वो जाके इंडोनेशिया, इंडिया, ठीक है, यहाँ पे आके गिरा था। और ऐसे ही अब ये एक रशियन रॉकेट भी था। तो अब इस चीज़ को लेके थोड़ी सी इश्यूज हैं कि इसको कैसे हम कंट्रोल करें। इफ द री एंट्रिंग स्टेजेस स्टिल होल्ड फ्यूल, एटमोस्फेरिक एंड टेरेस्ट्रियल केमिकल कंटेमिनेशन इज एनदर रिस्क, ये भी हो सकता है। तो यूएस का एक बेसिकली प्रैक्टिस है कि जो भी कैजुअलिटी है री एंट्रिंग के टाइम पे, दैट शुड बी ओनली अबाउट 0.01%, लेकिन नासा ने इसको अभी तक फॉलो नहीं किया। ओके, तो क्या इसके लिए कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है? इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं स्पेस के लिए, वी हैव आउटर स्पेस ट्रीटी, वी हैव मून ट्रीटी, वी हैव लाइबिलिटी ट्रीटी, रेस्क्यू एग्रीमेंट्स, बट कोई भी ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं है जो री एंट्री के टाइम पे हुए हुए डैमेज को कंट्रोल करे। देर इज नो इंटरनेशनल बाइंडिंग एग्रीमेंट टू इंश्योर रॉकेट स्टेजेस एनी वेयर परफॉर्म कंट्रोल्ड री एंट्रीज नॉर ऑन द टेक्नोलॉजीज विद विच दे डू सो, कहीं पे भी ऐसी कोई ट्रीटी नहीं है। एक लाइबिलिटी कन्वेंशन है 1972 का, वो क्या करता है, वो ये कहता है कि अगर डैमेज हो गया तो आप उसको रीपे करो, लेकिन कोई भी प्रिवेंशन के लिए कोई ट्रीटी नहीं है। डैमेज ही क्यों होने दें हम अगर हमारे पास सोल्यूशंस हैं, है ना। अब देखो, एडवांसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फैब्रिकेशन हैज मेड वे फॉर स्मॉलर सैटेलाइट्स विच आर इजियर टू बिल्ड एंड लॉन्च इन लार्ज नंबर्स। दीज सैटेलाइट्स एक्सपीरियंस मोर एटमोस्फेरिक ड्रैग। ओके, इंडियाज 300 केजीज राइसे टू सैटेलाइट्स री एंटर्ड अर्थ ऑन एटमोस्फेयर इन अक्टूबर आफ्टर 13 ईयर्स। द इसरो ट्रैक्ड इट। ओके, लुक हियर, इसरो ने इसको ट्रैक किया एंड इसको सेफ एंड सस्टेनेबल लैंडिंग जो है अर्थ के ऊपर री लैंड इसको करवाया गया। ठीक है जी, तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसरो हम इसको हम ट्रैक भी कर रहे हैं और हमारे पास इसका मैकेनिज्म भी है, तो इसको ये होना चाहिए। जो अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज हैं उसके ऊपर भी अब इंटरनेशनल जो स्पेस वर्ल्ड है उसको कोई ना कोई इसके ऊपर भी ट्रीटी साइन करनी चाहिए या कोई ना कोई इसके ऊपर भी नेगोशिएशंस करनी चाहिए। ओके, तो ये थोड़ा सा इस बेसिक्स था इस आर्टिकल का। थोड़ी और चीज़ें हैं इसमें, थोड़ा हम डिटेल में इसको देख लेते हैं जो टर्म्स आई हैं इसमें। जैसे कि ये आप देखो कि इसमें आपको दिखाया गया है कि रॉकेट का जो है लॉन्च, ठीक है, ये देखो स्टेज वन इंक्रीशन, कोई भी ये कोई भी जर्नल का आप लॉन्च प्रोफाइल देखो, लिफ्ट ऑफ हुआ, तो यहाँ पे देखो ये स्टेज वन जो है वो सेपरेट हो गई, ये वाली स्टेज। अब ये कहाँ पे जाएगी, बैक टू द अर्थ, है ना, लैंड पे भी जा सकती है और ओशन पे भी जा सकती है। ओशन में भी जाना, ओशन को भी कंटेमिनेट करना इज नॉट करेक्ट, बट चलो लैंड पे अगर जाएगा तो ह्यूमन कैजुअलिटीज होंगी, तो ये यहाँ पे एक इशू है, इसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। फिर उसके बाद देखो स्टेज टू, स्टेज टू में भी बर्न आउट हो रहा है, और फाइनली इतना छोटा सा पार्ट, ये इतना बड़ा पार्ट स्टार्ट हुआ और इतना छोटा सा पार्ट ही जाके लॉन्च होता है, बाकी ये सारा कुछ जो है ये शेड कर देता है इन अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में। ओके, तो ये है कि ये चाइना का एक फेलियर हो गया था, इट वॉज इन जुलाई, तो उसकी है कि वॉट गोज अप कम्स डाउन बट वेयर, ये आएगा कहाँ पे। ठीक है, देखो ये मोस्ट ऑफ द 22 टन का ये फेलियर हो गया था एक्चुअली, विल डिसइंटीग्रेट ऑन री एंट्री बट इट कैन रेन डेब्रिज ओवर एन एरिया ऑफ 1000 माइल्स। तो ये था कि ये यहाँ पे कहीं पे भी चाइनीज रॉकेट जो है ये कहीं पे भी जाके वो कर सकते हैं। 10% द रिस्क ऑफ कैजुअलिटीज फ्रॉम द चंक्स ऑफ रॉकेट्स इन द नेक्स्ट डेकेड। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो दो इश्यूज हैं स्पेस को लेके, एक तो डेब्रिज का और एक हो गया री एंट्री का। डेब्रिज क्या होता है, जो स्पेस के अंदर ही, ठीक है, हमारा कोई सेटेलाइट था, ठीक है, वो डिफंक्ट हो चुका है, डिफंक्शन हो रहा है, अब उसका कोई यूज नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा, तो ये स्पेस में ही घूमते रहते हैं। ओके, तो वो एक डेब्रिज है, उसको कैसे कलेक्ट करें, ये भी एक इशू बना हुआ है इंटरनेशनल कम्युनिटी, स्पेस कम्युनिटी में। एंड सेकेंड इशू इज जो ज्यादा सीरियस है, जो ज्यादा हमारे कैजुअलिटीज भी करता है, ह्यूमंस के लिए भी डेंजरस है, दैट इज दिस री एंट्री पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट हम थोड़ा सा और बेसिक देखते हैं। हमने देखा कि ऑर्बिट है लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट इट इज एटलीस्ट 10 to 200, ठीक है, फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, फिर हाई अर्थ एंड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, एंड फिर लूनर ऑर्बिट है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जियो सिंक एंड जियो स्टेशनरी? पहले तो दोनों ही इसी उस पे होंगे, ठीक है, हाइट पे। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो जियो स्टेशनरी है इसका जो ऑर्बिट है दैट इज सर्कुलर। ओके, जियो सिन का जो ऑर्बिट है दैट इज एलिप्टिकल, ठीक है, जियो सिन का एलिप्टिकल होगा
और जियो स्टेशनरी का सर्कुलर होगा, ओके। और ये इसमें जियो स्टेशनरी में जीरो टिल्ट होता है, ठीक है, और ये जियो सिंक्रोनस होता है, ये कोई ना कोई टिल्ट पे इंक्लाइंड होता है, ओके। तो ये थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस है, लेकिन होंगे दोनों एक ही जगह पे, दोनों का पर्पस कम्युनिकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट। जो जियो स्टेशनरी है ये मेनली कम्युनिकेशन में, जियो सिंक्रोनस को हम उसमें भी यूज कर लेते हैं डिजास्टर में। हमें दोनों का ये होता है कि फिक्स पोजिशन पे दिखाई देते हैं अर्थ पे, क्योंकि दे आर एट अ जियो, एक ऐसी स्टेज पे हैं जहां पे उनको फिक्स वो दिखाई देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो है इंडिया के, जो हमारे राइसेट रिसेट उसके बारे में आया है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, वो भी न्यूज़ में है। रिसेट 2B इज अ रडार इमेजिंग ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अब देखो कि रडार सैटेलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। रडार सैटेलाइट्स को सिंथेटिक अपर्चर सैटेलाइट भी है। रडार और नॉर्मल ऑप्टिकल, एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग होते हैं, एक रडार। ऑप्टिकल वालों में क्या होता है कि ऑप्टिकल तभी काम करेंगे जब सनलाइट होगा, ओके। तो ये तभी वर्क करेंगे जब सनलाइट होगा, जबकि रडार वाले जो हैं ये आपका नाइट में भी काम करते हैं, और इवन ड्यूरिंग द क्लाउड कवर। ओके, देखो, ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स रिलाई ऑन द सनलाइट बीइंग रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस फ्रॉम द ग्राउंड। दे डू नॉट वर्क इन डार्कनेस। ये सनलाइट के बेसिस पे ही काम करेंगे, ऑप्टिकल नेम है, राइट। जबकि जो रडार सैटेलाइट्स हैं ये आपके डे एंड नाइट दोनों टाइम पे काम करेंगे, और क्लाउड कवर में भी काम करेंगे। ओके, इट पोसेसेस डे एंड नाइट एज वेल एज ऑल वेदर मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी। पोटेंशियल एप्लीकेशन इंक्लूड ट्रैकिंग हॉस्टल शिप्स एंड सी दैट आर डीम्ड टू अ मिलिट्री थ्रेट टू इंडिया। तो इसके बारे में थोड़ी बात है, बाकी इसकी एप्लीकेशन, डिजास्टर एप्लीकेशन, फॉरेस्ट्री, ये सब कुछ कभी इसके बारे में फिर हम अलग डिटेल से इसको ही स्टडी करेंगे। क्लियर। यस, नेक्स्ट पार्ट की हमने बात करी कि कोई ट्रिटी नहीं है फॉर दिस री एंट्री पार्ट, लेकिन कुछ और ट्रिटीज हैं जो आपको, ये सब रहने दो, आपको सिर्फ ये ट्रिटीज के बारे में पता होना चाहिए। वन इज आउटर स्पेस ट्रिटी, जो इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अनदर इज रेस्क्यू एग्रीमेंट, ये UN की स्पेस ट्रिटीज हैं। लाइबिलिटी कन्वेंशन, जो कि हमने अभी पढ़ा, जिसके अंदर डैमेज कवर होता है, प्रिवेंशन नहीं करता ये कवर, ठीक है, कि इसमें ये नहीं है कि आप इसको प्रिवेंट करो, सिर्फ डैमेज कवर करता है। रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन एंड मून ट्रिटी, तो इसमें आउटर स्पेस ट्रिटी ही इम्पॉर्टेंट है, मून ट्रिटी भी पूछ सकते हैं आप, इनकी क्रोनोलॉजी भी याद कर लो, कई बार पूछ लेते हैं। लाइबिलिटी कन्वेंशन भी हम देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं आउटर स्पेस ट्रिटी पे। 1967 में ये साइन की गई थी ट्रिटी, ठीक है, आपको इसको थोड़ा सा याद रख लेना है। क्या है कि जो भी आप एक्सप्लोरेशन करोगे आउटर स्पेस में, इट शेल बी कैरिड आउट फॉर द बेनिफिट एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑल कंट्रीज एंड शेल बी द प्रोविंस ऑफ ऑल मैनकाइंड, ठीक है, इंटरेस्ट और बेनिफिट के लिए होना चाहिए। आउटर स्पेस शेल बी फ्री फॉर एक्सप्लोरेशन एंड यूज बाय ऑल स्टेट, सभी के लिए फ्री है, ओके। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू नेशनल अप्रोप्रिएशन, कोई सॉवरेंटी क्लेम नहीं कर सकता इसके ऊपर, कोई भी नहीं कर सकता। स्टेट शेल नॉट प्लेस न्यूक्लियर वेपन्स और एनी अदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन ऑर्बिट और द सेलेस्टियल बॉडीज और स्टेशन देम इन आउटर स्पेस, ठीक है। अगर ये ट्रिटी ना होती तो अब तक तो पता नहीं इन लोगों ने क्या ही कर देना था, है ना। तो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं आप प्लेस कर सकते, मून और जो बाकी के सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनको सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पज के लिए ही यूज करना है। एस्ट्रोनॉट शेल बी रिगार्डेड एज एनवर्स ऑफ मैनकाइंड। स्टेट शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल स्पेस एक्टिविटीज। स्टेट शेल बी लाइबल फॉर डैमेज कॉज्ड बाय देयर स्पेस ऑब्जेक्ट। लुक, डैमेज प्रिवेंशन की बात इसमें भी नहीं कर रहे। स्टेट शेल अवॉइड हार्मफुल कंटेमिनेशन ऑफ स्पेस एंड सेलेस्टियल बॉडीज। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, मैनकाइंड के लिए करना है, न्यूक्लियर वेपन्स के लिए है। हाँ, एक चीज इसमें मिसिंग है। देखो, इन्होंने बोला न्यूक्लियर वेपन्स और आउटर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, लेकिन वॉट अबाउट मिसाइल्स? ओके, इट इज गिवन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, लेकिन मिसाइल्स एज इट इज टर्म नहीं आई है, तो इसको कई बारी मिसयूज किया जाता है। ओके, ये मिसाइल्स एज इट इज टर्म नहीं दिया गया, तो इसको कई बारी मिसयूज किया जाता है। दूसरी चीज जो इस ट्रिटी में हमने देखी जो मिसिंग है, दैट इज अबाउट प्राइवेट, ठीक है, जो प्राइवेट पार्टीज हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, स्पेस एक्स हो गया, अगर वो अपने लेवल पे कोई भी ये स्पेस टेस्टिंग एंड एवरीथिंग करती हैं, तो उनके बारे में इसमें कुछ मेंशन नहीं है। इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्टेट्स ओनली, ठीक है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्टेट्स, गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट्स की ही बात कर रहे हैं, प्राइवेट पार्टीज की बात नहीं कर रहे। तो ये दो चीजें इसमें मिसिंग है, मिसाइल्स का एक मेंशन नहीं है, एंड अनदर इज प्राइवेट पार्टीज। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी कन्वेंशन। लाइबिलिटी कन्वेंशन तो बहुत बड़ी है, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट थोड़ा सा इसकी डिटेल देख लो। द लॉन्चिंग स्टेट अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट, इट शेल बी एब्सोल्युटली लाइबल टू पे कंपनसेशन फॉर डैमेज कॉज्ड
बाय इट्स स्पेस ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट. ओके, डैमेज एल्सवेयर फॉर अ स्पेसक्राफ्ट शैल बी लायबल ओनली इफ इज डैमेज ड्यू टू द फॉल्ट. ये देखो, अगर फॉल्ट की वजह से डैमेज हुआ है. फॉर डैमेज सस्टेन्ड इन द स्पेस ऑफ फॉल्ट लाइबिलिटी स्टैंडर्ड अप्लाई सच दैट स्टेट इज लाइबल ओनली टू द एक्सटेंट टू सच डैमेज दैट इज कॉज्ड बाय फॉल्ट ऑफ द स्टेट. ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्च. इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट री एंट्री, है ना. इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट कि री एंट्री के टाइम पे अब जो स्टेजेस हैं, जो हमने देखा कि फर्स्ट स्टेज जो है शेड ऑफ हो जाएगी, तो वो कोई फॉल्ट की वजह से तो नहीं हो रही शेड, वो तो नेचुरल प्रोसेस है. तो कई बार जो स्टेट्स हैं वो इस ट्रिटी के अंडर कवर भी नहीं होते, क्योंकि उनका ये वो इस चीज़ को लेके बच जाते हैं कि इट इज़ नॉट द फॉल्ट, है ना. ऑफकोर्स इट इज़ नॉट द फॉल्ट, इट इज़ द प्रोसेस, कि प्रोसेस ही ऐसा है तो इसमें हम क्यों डैमेज जो है पे करें. तो इस कन्वेंशन में भी थोड़े से चेंजेस जो हैं रिक्वायर्ड हैं. एंड अगेन मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग कि प्राइवेट पार्टीज को इंक्लूड करो हर जगह. अब प्राइवेट पार्टीज को भी इंक्लूड करो. नाउ मून ट्रिटी 1979 में साइन की गई. बैन एनी मिलिट्री यूज ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज. वेपन टेस्टिंग भी नहीं कर सकते, मिलिट्री बेसिस भी नहीं बना सकते. दिस इज मेंशनड इन मून ट्रिटी. इट बैन ऑल द एक्सप्लोरेशन एंड यूजेस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज विदाउट द अप्रूवल और बेनिफिट ऑफ अदर स्टेट, है ना. वही कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड वाला फॉलो करना है, आउटर स्पेस ट्रिटी वाला. Required the UN UN Secretary General must be notified of all the celestial activities. This is important, okay? Important है ये point. Declares all the states have an equal right to conduct research. ठीक है, declare that any state that obtains samples during research activity must consider making available part of the sample to all countries. हम देखते हैं ना कि आजकल ये जा रहे हैं asteroids के ऊपर, ठीक है, और अभी इनका एक Bennu करके asteroid भी है, उसके ऊपर project चला हुआ है, और चाइना भी गया है, ठीक है, और तो ये जापान ने भी वहाँ से कलेक्ट किए हैं. तो ये जो आपका सैंपल लेके आएंगे तो ये आप शेयर करोगे बाकी कंट्रीज़ के साथ. ओके, ये पूछ सकते हैं आपको कि इट इज़ कवर्ड अंडर मून ट्रिटी. बैन ऑल्टरिंग द एनवायरनमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज एंड रिक्वायर दैट स्टेट्स मस्ट टेक प्रिवेंट मेजर्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल कंटामिनेशन. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तीनों के तीनों ट्रिटीज के बारे में, जो कि आपको पता होने चाहिए. ये जो है यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट न्यूज इज दैट इंडिया ने अभी म्यांमार का हमें पता है कि म्यांमार में कूप है, मिलिट्री रूल चला हुआ है, तो उसको लेके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हुआ, जिसको इंडिया ने वहां पे वोट करने से मना कर दिया. तो ये इसका माना जा रहा है कि इंडिया जी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखता है जो म्यांमार में जनता आपका मिलिट्री रूल है उसके लिए. इंडिया अलॉन्ग विद रशिया एंड चाइना एब्सटेन फ्रॉम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन क्रिटिसाइजिंग म्यांमार्स मिलिट्री रिजीम. The resolution proposed by UK, which was passed by 12 votes, ठीक है? तो इसमें ये वाले point पे बाद में आते हैं. India's abstention is being criticized by human rights advocates in Myanmar as an indicator of soft position on janta that has not only imprisoned most of the democratic leadership, but also persecuted them on the charges of treason. तो ये म्यांमार हुआ है कि इन्होंने वोट क्यों नहीं किया. तो इंडिया कह रहा है कि हम अपना quiet and कंजर्वेटिव डिप्लोमेसी के ऊपर चल रहे हैं, इसीलिए हमने इसको वोट नहीं किया. ओके, तो ये न्यूज़ है. तो इंडिया ने वोट नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये अलग बातें हैं. ये इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ दिस, कि इट्स में बार बार आसियान का 5-point कंसेंसिस के ऊपर बात होती है. जब भी हम म्यांमार का या मिलिट्री रिजीम के बारे में कोई भी न्यूज़ देखते हैं तो उसमें बार बार टर्म आती है 5-point consensus, 5-point consensus, आसियान का 5-point consensus. ये है क्या 5-point consensus? ये आपको पता होना चाहिए. ओके, तो ये आप याद रखोगे. 5-point consensus ऑन द सिचुएशन इन म्यांमार. द लीडर्स रीच्ड कंसेंसस ऑन द फॉलोइंग. फर्स्ट, देयर शैल बी द इमीडिएट सेसेशन ऑफ वायलेंस इन म्यांमार. म्यांमार में जो भी वायलेंस हो रहा है उसको बंद करो. सारी पार्टीज को इक्वली इसके लिए बोलना चाहिए. तो फर्स्ट इज रिलेटेड टू वायलेंस. सेकेंड, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग अमंग ऑल द पार्टीज कंसर्न शैल कमेंस टू सीक अ पीसफुल सोल्यूशन इन इंटरेस्ट ऑफ पीपल. कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, बात करो बातचीत करके. दुनिया में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप नेगोशिएट करके बात करके नहीं सुलझा सकते. ये यहाँ पे भी कहना है लोगों का, इनका लीडर्स का, आसियान के लीडर्स का, कि पीसफुल सोल्यूशन के लिए एक हमें बैठ के बातचीत करनी चाहिए लोगों के इंटरेस्ट के लिए. थर्ड जो है, अ स्पेशल एनवॉय ऑफ द आसियान चेयर शेल फैसिलिटेट मीडिएशन ऑफ द डायलॉग प्रोसेस. इसकी शुरुआत कौन करेगा डायलॉग प्रोसेस की? आसियान करेगा. ठीक है, उसके बाद आसियान जो है एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी देगा
ठीक है, थ्रू AHA, आसियान ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस सेंटर, ठीक है, आसियान का एक सेंटर है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर, वो इनको ग्रांट भी देगा. फिफ्थ, आ स्पेशल एनवॉय डेलीगेशन शेल विजिट म्यांमार टू मीट विद ऑल द पार्टीज कंसर्न. तो ये बार बार कहा जा रहा है कि यही होना चाहिए, ठीक है, पहले तो वॉयलेंस खत्म करो, फिर डायलॉग करो. डायलॉग की शुरुआत कौन करेगा, ठीक है, कौन इसको फैसिलिटेट करेगा, दैट विल आसियान. आसियान ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगा और अपना एक स्पेशल डेलीगेशन भी भेजेंगे बाकी सारी पार्टीज मिलकर. तो ये 5 पॉइंट एजेंडा है, 5 पॉइंट कंसेंसस है म्यांमार के लिए, ठीक है, और इंडिया का भी यही कहना है कि इसी को फॉलो करना चाहिए, बार 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 यही बात हो रही है. तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर दीज 5 पॉइंट्स, ये आपको पूछ सकते हैं. क्लियर? अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि आसियान के बारे में, ठीक है, आपको पता ही होगा बेसिक सा कि आसियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, 10 नेशंस का एसोसिएशन है, म्यांमार, वियतनाम, लायस, कम्बोडिया, ब्रुनाई, ठीक है, और इधर फिलीपींस है, सिंगापुर हो गया, मलेशिया, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया, ये 10 नेशंस हैं. ओके, तो आसियान इनसे मिलके बना हुआ है. म्यांमार में जो कूप हुआ वो कब हुआ, 30 जनवरी को, मिलिट्री सेज प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये थोड़ा सा इसका टाइमलाइन है. नेक्स्ट, आसियान के कुछ डायलॉग पार्टनर्स और जो कुछ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ये यूपीएससी पूछ लेते हैं, नॉर्मल उसमें भी पूछे जाते हैं. तो आसियान का जो ट्रेड पार्टनर्स हैं, 6 ट्रेड पार्टनर्स, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ये आपको पता करना है. इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ आसियान, बट इंडिया इज अ ट्रेड पार्टनर. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. प्लस आसियान के डायलॉग पार्टनर्स आर डिफरेंट डायलॉग पार्टनर्स, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, न्यूजीलैंड, ये तो यही वाले 6 हो गए, ठीक है, ये 6 और ये 6 आर सेम, लेकिन अलग से रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन, दीज आर इंक्लूडेड इन डायलॉग पार्टनर्स. ओके, एक मैं आपको थोड़ा सा देती हूँ, आप अपने अवेलेबल पे सर्च करो व्हाट इज ARCEP एंड व्हाट इज आसियान डिजास्टर मीटिंग, ठीक है, इसमें कौन कौन मेंबर होता है, तो इसी से रिलेटेड है. तो अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी, थोड़ा सा इसके बारे में सर्च करना. क्लियर? नेक्स्ट जो है, एक आज एक और न्यूज़ है ग्रीन वॉशिंग के बारे में, कि ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, कि अभी हम कहते हैं कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लेके आने हैं, ग्रीन बॉन्ड्स लेके आने हैं, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स लेके आने हैं, हमने ग्रीन इन्वेस्टमेंट को वो करना है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम होता है ग्रीन वॉशिंग का. ग्रीन वॉशिंग क्या है, इट रेफर्स टू डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस एम्ड एट ड्यूपिंग पीपल, ठीक है. तो कंपनीज क्या हैं कि जैसे हम देखते हैं ना मार्केट में बहुत सारे इको प्रोडक्ट्स सेल हो रहे हैं, ऑर्गेनिक है जी, ये इको हैं. अब कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज इसको मिस रिप्रेजेंट करती हैं, ओके, कि वो सेव कम करती हैं लेकिन दिखाती ज़्यादा है, कार्बन एमिशंस को सेव कम कर रही हैं, दिखाती ज़्यादा है, और ज़्यादा बिन मतलब के ही अपने प्रोडक्ट्स को इको प्रोडक्ट्स कह कह के वो सेल करते हैं. तो एक तरह से डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस है, कार्बन जितना उन्होंने सेव किया है उतना वो शो नहीं कर रहे, उससे ज़्यादा का शो कर रहे हैं. द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द पब्लिक और इन्वेस्टर्स विद मिसलीडिंग और आउटराइट फॉल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ अ कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड ऑपरेशंस. ओके, तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग. तो अभी जो हम ये एक न्यूज़ है कि भाई आप ऐसा करो कि इंडिया का क्लाइमेट कमिटमेंट है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी होंगे, तो आप एक ग्रीन वॉशिंग का प्रॉपर डेफिनेशन दे दो. वॉट इज ग्रीन वॉशिंग, क्या क्या उसमें कवर होगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज आएंगी, कौन कौन सी नहीं आएंगी, ये आप इसमें मेंशन कर दो. तो ये बताया गया है इस आर्टिकल में. आपको पता होना चाहिए कि वॉट इज दिस ग्रीन वॉशिंग, इसको थोड़ा और डिटेल में हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा. इट इज एन अनएथिकल प्रैक्टिस वेयर कंपनीज मिसलीड कंज्यूमर्स बाई क्लेमिंग इट टू बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, है ना, कि इको फ्रेंडली है. ये बहुत कॉमन हो रखा है, कितने ही प्रोडक्ट्स हैं आजकल ज़्यादातर इको फ्रेंडली के नाम पे, उनकी कॉस्ट, उनका प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है. 73% ऑफ ग्लोबल कंज्यूमर्स वुड चेंज देयर कंजम्पशन हैबिट्स टू रिड्यूस देयर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स. लोगों को लगता है कि भाई इको प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, ठीक है, देयर फॉर कंपनीज हैव अ फाइनेंशियल इंसेंटिव. तो कंपनीज जान जान के, जानबूझ के इको प्रोडक्ट्स वो करती हैं. मैनी ऑफ देम स्पेंड मोर टाइम मनी ऑन मार्केटिंग देमसेल्फ्स एज सस्टेनेबल रादर देन मिनिमाइजिंग देयर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट. ओके, मार्केटिंग करने में ही टाइम वो ज़्यादा लगाती हैं. दे टर्न टू कार्बन ऑफसेट्स. कार्बन ऑफसेट्स हमने कल करे थे कि खुद नहीं रिड्यूस करना, किसी और ने रिड्यूस किया है तो उसको, उससे खरीद लेते हैं कार्बन ऑफसेट्स, ठीक है, या फिर रिफॉरेस्ट्रेशन करते हैं. रिफॉरेस्ट्रेशन बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन रिफॉरेस्ट्रेशन से हम लोगों ने जो इतना इन्वायरमेंट को ख़राब कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ रिफॉरेस्ट्रेशन से ही वो ठीक नहीं हो जाएगा. रिफॉरेस्ट्रेशन बहुत ही कम, प्लांटिंग ट्रीज इज ओनली अ टाइनी पार्ट ऑफ दिस सोल्यूशन. ओके, तो ये एक इशू है. तो अब कंपनीज आर इजिली गेटिंग अवे बाय कार्बन ऑफसेटिंग एंड मिसलीडिंग इको लेबल्स एंड पैकेजिंग.
कि हमारी पैकेजिंग इको है, ये वो है, अनसर्टिफाइड प्रोडक्ट कंपोजिशन एंड वेग रिसाइकलिंग क्लेम्स। तो ये जो है वेग क्लेम्स है, झूठ बोलते हैं, मिसरिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको ये जो है ग्रीन वॉशिंग कहा जाता है। तो गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग टू टेक डायरेक्ट एक्शंस ऑन कंपनीज एंगेज्ड इन ग्रीन वॉशिंग। इट्स द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी वन टू स्पॉट, रिपोर्ट एंड स्टॉप ग्रीन वॉशिंग टू बिल्ड अ डिजायरेबल फ्यूचर। क्लियर? तो ये ग्रीन वॉशिंग जो है कई बार यूपीएससी ऐसे टर्म्स भी पूछ चुका है। नेक्स्ट जो है कि कॉटन के बारे में है कि कॉटन का एमएसपी का इशू है कि अभी फार्मर्स का जो कई रीजन्स में जो कॉटन है वो एमएसपी से भी अच्छे प्राइस में सेल हो रहा है, लेकिन फार्मर्स कह रहे हैं कि ठीक है ऑल दो दे आर गेटिंग हायर प्राइसेस देन द एमएसपी, बट ये प्राइस उनका इनपुट कॉस्ट नहीं कवर कर रहा। ओके, तो ये भी उनका इनपुट कॉस्ट नहीं कवर कर रहा, तो ये कह रहे हैं कि उनको क्यों नहीं कवर हो रहा, क्योंकि बैड क्वालिटी सीड्स मिले, क्योंकि इनकी सीड्स बैड क्वालिटी हुई तो प्रोडक्शन ही कम हुई, पेस्ट अटैक्स कई जगह पे हुए कहीं पे नहीं हुए, और इन्होंने बोला है कि इम्पोर्ट कॉटन का इम्पोर्ट और रिसिप को आप बैन करो। तो ये कुछ है, तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि एज इट इज दिस न्यूज़ इज नॉट इम्पोर्टेंट अगर हम सिर्फ इस न्यूज़ पर जाएं, लेकिन इसमें से कुछ बातें हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर जरूर कर सकते हैं, लाइक व्हाट इज एमएसपी। फिर यहाँ पे है कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी रोल है, व्हाट इज कॉर्पोरेशन कॉटन कॉर्पोरेशन, व्हाट इज दिस मीडियम स्टेपल कॉटन, व्हाट इज पिंक वुलवॉर्म, ये हमें पता है पेस्ट है जो कॉटन को अटैक करता है, ठीक है, तो इसी की वजह से हमें बीटी कॉटन बनाना पड़ा, लेकिन अब बीटी कॉटन में भी ये रेसिस्टेंट हो गया है, अब ये बीटी कॉटन के ऊपर भी अटैक करता है, तो और प्रोडक्शन कम हो रही है लोगों की। ठीक है आप एमएसपी तो दे रहे हो, लेकिन एमएसपी तो आप प्रोडक्शन के ऊपर ही दे रहे हो ना, तो लेकिन इस बारी लोगों का कहना है कि प्रोडक्शन जो पहले 15 क्विंटल्स पर एकड़ हुआ करती थी, अब सिर्फ वो 3 क्विंटल्स पर एकड़ रह गई है, तो पैसे तो 3 क्विंटल के ही मिलेंगे चाहे जितना मर्जी प्राइस हो, तो कहाँ 15 के थे कहाँ 3 के, तो ऑब्वियसली फार्मर्स इसमें लॉस में चले हुए हैं। ओके, तो उसके बाद है कि कंपनीज जो है सीड सप्लाई कंपनीज आर मेजर कल्प्रिट, सीड्स ये का फार्मर्स का कहना है कि सीड सप्लाई कंपनीज हमें मिसलीड कर रही हैं, ये कुछ इसके बारे में बातें हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं यूपीएससी के फेवरेट हैं क्रॉप्स है ना, वो कोई ना कोई रोज पूछ लेता है कि इसमें क्या हो रहा है। थोड़ा सा पहले एमएसपी के बारे में समझते हैं, हमें पता है दिस इज द मिनिमम प्राइस, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया तो उन्होंने इसको लिखा हुआ था मैक्सिमम प्राइस, तो ये बिल्कुल नहीं है, एमएसपी इज मिनिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस क्या होता है कि गवर्नमेंट गारंटी दे रही है आपको कि आप ये क्रॉप जो है ग्रो करो, अगर कोई और बायर आपको नहीं मिलता, कोई भी और बायर आपको नहीं मिलता, देन केम टू द गवर्नमेंट, बायर मिलता भी अगर आप गवर्नमेंट के पास आओ, तो ये जो मिनिमम एक प्राइस है ये हम आपको देंगे ही देंगे। तो फार्मर्स जो है अश्योर हो जाते हैं कि हमें, हम कोई भी क्रॉप एक सो करते हैं अगर उसके ऊपर एमएसपी डिक्लेयर है तो दैट मीन्स हमें वो मिले, उतना तो हमें मिल ही जाएगा, है ना। इट इज द मिनिमम प्राइस फॉर एनी क्रॉप दैट द गवर्नमेंट कंसिडर्स एज रेम्यूनरेटिव फॉर फार्मर्स एंड हेंस डिजर्विंग ऑफ सपोर्ट। इट्स ऑल्सो द प्राइस दैट गवर्नमेंट एजेंसीज पे वेन एवर दे प्रोक्योर द पर्टिकुलर क्रॉप। कौन कौन सी गवर्नमेंट एजेंसीज प्रोक्योर करती हैं, सबको एफसीआई का पता होता है ना, लेकिन एफसीआई तो सिर्फ राइस वीट और कुछ ऑयल सीड्स में ही इन्वॉल्व है, और कौन कौन सी एजेंसीज है जो प्रोक्योर कर सकती हैं। नेफेड एक एजेंसी है आपकी, ठीक है, दिस इज मेजरली फॉर ऑयल सीड्स, और कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ये इसके लिए, शुगर्स के लिए शुगर मिल्स हैं, तो अलग अलग प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं, नॉट ओनली एफसीआई, ये ध्यान में रखना है। द गवर्नमेंट नाउ फिक्स एमएसपी फॉर 23 क्रॉप, बट इट इज नॉट लीगली बाउंड टू पे इवन दीज इफ ओपन मार्केट रेट फॉर सेट प्रोड्यूसर रूलिंग बिलो द अनाउंस फ्लोर प्राइसेस। गवर्नमेंट को कोई ये बहुत बार पूछा जाता है एमएससी की लीगल बैकिंग है, नो इट इज नॉट। कौन फिक्स करता है, सेंटर करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। व्हेन अ फार्मर ग्रोज अ क्रॉप ही इनकर्स कॉस्ट, सम ऑफ इट्स एक्सप्लिसिट एंड सम अनपेड, कि तीन चीजों को लेकर ध्यान में रखा था। इसको भी लेकर बहुत इशू चला हुआ है कि अभी गवर्नमेंट जो है वो एमएसपी का कॉस्ट ये A2 प्लस A2FL को ही ध्यान में रख के कंसिडर करती है, नॉट दिस C2 कॉस्ट। इसको पहले समझते हैं कि तीनों कॉस्ट होते क्या है। A2 इज एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, A इज एक्चुअल कॉस्ट, जो फार्मर को एक्चुअल कॉस्ट पे करना पड़ रहा है, कवर्स ऑल द कैश एंड ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंस। उसने सीड्स खरीदे, फार्मर ने फर्टिलाइजर्स खरीदे, केमिकल, लेबर को हायर किया, फ्यूल लगा उसका ट्रैक्टर में, इरिगेशन, जो भी उसको एक्चुअल कैश पे करना पड़ रहा है, एक्चुअल कॉस्ट पड़ रही है, एक्सपेंसेस जो हमें दिखाई भी दे रही है, दैट इज A2 और एक्चुअल कॉस्ट। तो एमएसपी डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले A2 को कंसिडर किया जाएगा, देन A2 प्लस FL, FL इज फैमिली लेबर, ओके, इट इज फैमिली लेबर, A2 एक्चुअल कॉस्ट प्लस फैमिली लेबर। अब फैमिली लेबर का क्या मतलब है, एक फार्मर के घर में सपोज 5 मेंबर्स हैं, तो वो 5 के 5 मेंबर्स जो हैं फार्म में काम करेंगे, है ना।
अगर सपोज वो 5 मेंबर, अब फार्मर उनको पे तो करेगा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि डेली उनको उनके वेजेस मिलते हैं या कहीं पे भी ये रिकॉर्ड होगा, तो ये जो लेबर की कॉस्ट है जो कि अनपेड है, जो कि फार्मर पे भी नहीं कर रहा, और अगर तो उसको हम बोलते हैं फैमिली लेबर, ठीक है, कि अगर ये 5% ना होके उसको 5% बाहर से लेबर लाना पड़ता, तो वो तो उससे उनका तो उनको वेज पे करना पड़ता, उसका तो कॉस्ट पड़ता, तो वो जो कॉस्ट है वो भी इसमें इंक्लूड होती है। तो फैमिली ने भी जो भी काम किया उसका भी कॉस्ट इंक्लूड होता है एमएसपी कैलकुलेट करने में, एक्चुअल कॉस्ट प्लस इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर, ठीक है, जो अनपेड, क्योंकि फैमिली को पे तो किया नहीं लेकिन फैमिली ने काम तो किया है, तो वो भी काउंट होता है। तो जब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एमएसपी डिक्लेयर करती है तो वो यहीं पे रुक जाती है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट एमएसपी डिक्लेयर करने के लिए A2 प्लस A2FL, यही दो चीजों को काउंट करता है। बट एक थर्ड फॉर्मूला है, एक थर्ड चीज है, थर्ड टाइप ऑफ कॉस्ट है, दैट इज C2 कॉस्ट, ठीक है, C2 कॉस्ट है। तो ये हमारे जो हम बात कहते हैं कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन स्वामीनाथन, तो उन्होंने भी इसको रिकमेंड किया है कि आप जब भी एमएसपी डिक्लेयर करो तो A2 A2FL प्लस C2 कॉस्ट को डिक्लेयर करो। तो स्वामीनाथन फॉर्मूला आता है न्यूज में कि गवर्नमेंट को जो जी ये एमएसपी है ये स्वामीनाथन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिक्लेयर करनी चाहिए, ना कि नॉर्मल फॉर्मूला जिसको लेके गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, हम ऑलरेडी बहुत सारी चीजें कंसिडर कर रहे हैं तो अभी हम C2 को कंसिडर नहीं करते। नाउ व्हाट इज C2? C2 में A2 प्लस FL अलॉन्ग विद रेवेन्यूज फॉरगॉन ऑन ओन्ड लैंड एंड फिक्स्ड कैपिटल एसेट। अब सपोज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म्स? अब सपोज करो कि एक फार्मर है जिसकी खुद की लैंड है, ठीक है, वो अपनी खुद की लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर कर रहा है। अगर ये लैंड उसकी खुद की ना होती और उसको रेंट पे लेनी पड़ती, हम ये की करते हैं रेवेन्यू फॉरगॉन, रेंट पे लेनी पड़ती अगर उसको, या फिर रेंट पे लेता, या फिर वो ये लैंड खुद क्रॉप उसके ऊपर ग्रो ना करके ये किसी को रेंट पे दे देता, ठीक है, ये लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर ना करके किसी को रेंट पे दे सकता था, तो उससे इसको रेवेन्यू आता, रेंट मिलता। अगर आप किसी अपनी लैंड को रेंट पे देते हो तो आपको रेंट मिलता, लेकिन आपने क्या किया, उसका रेंट पे ना देके उसके ऊपर एग्रीकल्चर किया, तो आपका रेवेन्यू फॉरगॉन हो गया। जो आपका रेवेन्यू था जो आपको उस लैंड पे आ सकता था एज अ रेंट, वो आपका फॉरगॉन हो गया, ठीक है, तो वो भी इसमें कंसिडर किया जाता है। सेम फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स, ठीक है, अगर आपने कोई ट्रैक्टर बाय किया हुआ है या कुछ भी किया हुआ है, तो अगर वो नहीं होता तब कितना पे करना पड़ता, वो सब कुछ भी C2 में कवर होता है। क्लियर? तो अभी के लिए सिर्फ A2 और A2FL का ही कंसिडर किया जाता है, नॉट C2। आगे चलते हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स कवर हैं इसके अंडर, एमएसपी के अंडर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो आप बिल्कुल मिस ही नहीं कर सकते। पैडी, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सोयाबीन, सेसमम, नाइजर सीड। कई बार पूछ लेते हैं कि बताओ जी कौन से ऑयल सीड्स हैं, तो ध्यान से उस हिसाब से कर लो, वीट, रबर, खरीफ, बार्ले, ग्राम, मसूर, ये सब बातें, कोपरा, कॉटन, जूट, ठीक है, ये सारी हमारी क्रॉप्स हैं। जो शुगर केन है उसके लिए FRP प्राइस होता है, ठीक है, MSP नहीं। नाउ व्हाट इज दिस FRP, इसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। कॉटन के ऊपर आ जाते हैं वापस से, कॉटन के बारे में है, कॉटन इज अ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप, ठीक है, UPSC में ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट था शायद। इट इज ग्रोन इन सेमी एरिड एरियाज ऑफ कंट्री, मेनली इन डेक्कन प्लेटो, ठीक है, ड्यू टू दैट फेमस ब्लैक सॉइल, हम पढ़ते हैं ना कि ब्लैक सॉइल इज फॉर कॉटन, जो वोल्केनिक उस डेक्कन प्लेटो में पाई जाती है, तो वहाँ पे वो मेजर हमारा कॉटन बेल्ट है। हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजरियस टू कॉटन हेल्थ एंड इट रिक्वायर्स 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। ओवरऑल लाइट रेनफॉल इज प्रेफर्ड, हाई टेम्परेचर चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए, क्लियर स्काई चाहिए, ठीक है, लाइट वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है, वेरी फेमस वन। खरीफ क्रॉप है ये, नॉट रबी, ठीक है, 6 to 8 months इसको लगते हैं मेच्योर होने में। तो ये दो तीन लाइंस जो है डायरेक्टली UPSC ने दी हुई थी और कहा गया था कि आइडेंटिफाई करो ये क्रॉप जो है कौन सा है। मेजर जो है हमारे कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडिया में कौन से हैं, पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। लीडिंग में सबसे पहले नंबर पे गुजरात, देन महाराष्ट्र एंड देन तेलंगाना। उसके बाद हम आ जाते हैं कि कॉटन मीडियम स्टेपल ये क्या होती हैं, ये लॉन्ग स्टेपल, मीडियम स्टेपल, शॉर्ट स्टेपल। तो इंडिया में हम हर तरह की कॉटन ग्रो करते हैं, इंडिया ग्रोथ बहुत शॉर्ट स्टेपल इंडियन कॉटन कहा जाता है इसको। लॉन्ग स्टेपल का कॉमन नेम इज अमेरिकन कॉटन, या फिर इसको नरमा भी कहते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में नरमा कहा जाता है। ओके, तो ये शॉर्ट लेंथ, मीडियम लॉन्ग, एक्स्ट्रा लॉन्ग, ये इसके बारे में स्टेपल बताया गया। ये आपको नहीं करना एज इट इज, कोई पूछेगा नहीं, बट फॉर द कभी अगर आप कोई कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट से बिलोंग करते हो और इंटरव्यूज के लिए जा रहे हो तब आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए।
अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कि अमेरिकन कॉटन इंडियन कॉटन में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हमने देखा कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि ठीक है प्राइसेस अभी नॉर्मल चल रहे हैं, अभी इतना ज़्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जब भी होगा तब हम बैक टू एक्शन आएंगे। तो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1970 में स्टैब्लिश किया गया अंडर 1956। इट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉरपोरेट एजेंसी एंगेज इन डाइवर्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू ट्रेड प्रक्योरमेंट। ठीक है, यहाँ पे अगर कॉटन FCI के पास नहीं जाएगा, कॉटन जाएगा CCI के पास एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन, क्योंकि FCI इज फूड ग्रेन, फूड कॉरपोरेशन दैट इज फॉर फूड, कॉटन इज नॉट अ फूड, कॉटन इज अ कैश क्रॉप। ओके, इट इज गवर्न बाय टेक्सटाइल पॉलिसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। इट ऑपरेट्स इन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, MP, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, नॉट थ्रू आउट द इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज एक डेटा है बेसिकली, तो ये थोड़ा सा डेटा एज इट इज पूछ सकते हैं कि एक अंडर ट्रायल्स या जो भी इंडियंस जेलों में हैं, फॉरेन की जेल्स में हैं, ठीक है, वेदर दे आर अंडर ट्रायल, वेदर दे आर कन्विक्स, उनका डेटा है। तो मैक्सिमम जो इंडियंस हैं, ठीक है, टोटल 8,441 इंडियंस हैं जिनका डेटा अवेलेबल है कि वो 69 कंट्रीज की अलग अलग जेल्स में हैं, उसमें से अप्रॉक्सीमेटली हाफ जो 4,389 है दैट आर इन गल्फ कंट्रीज, गल्फ में भी UAE में सबसे ज़्यादा, ये ऐसे दिया हुआ है। इसमें से 115 फीमेल प्रिजनर्स हैं। ओके, एक फिनलैंड में है, फिनलैंड जो का वर्ल्ड का मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री है, ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स है UN का उसके अकॉर्डिंग। अफगानिस्तान में कोई नहीं है। तो ये है, एक चीज़ याद रख लो कि गवर्नमेंट ने एक एजेंसी लॉन्च की है दैट इज प्रवासी लीगल एड सेल टू प्रोवाइड फ्री लीगल असिस्टेंस टू एंड नॉन रेजिडेंट केरलाइट्स। ओके, तो ये है। तो केरला में, केरला हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ पासपोर्ट होल्डर्स इन द कंट्री। ओके, केरलाज मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट जो है इट इज रैंक थर्ड इन द लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट विद द मोस्ट नंबर ऑफ पासपोर्ट्स। पहले नंबर पे मुंबई है, देन बेंगलुरु एंड देन केरलाज मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट। एज ऑफ 2021 एन एस्टिमेटेड 1.35 करोड़ इंडियन नेशनल रिसाइड्स इन कंट्रीज आउटसाइड इंडिया एंड उसमें से 87.5 लाख आर इन गल्फ कंट्रीज। क्लियर, तो ये थोड़ा सा डेटा है, ये कभी आपको किसी एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडिया चाइना ने कहा है कि ठीक है क्लैशेस हो गए, बहुत हो गया अब, लेकिन हम नॉर्मल जो है डायलॉग अपना कंटिन्यू करेंगे। जेंगजी एरिया में हमने देखा कि क्लैशेस हुए थे, ठीक है, चूसल मोलदो बॉर्डर के ऊपर, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि नहीं हम जी अपने जो टॉक्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो वांग रीजन में ये क्लैश हुए थे, ये सब बातें हमने देख लिया थोड़ा सा। वैसे हमने उस टाइम पे भी काफ़ी डिटेल में हमने उस टाइम पे भी डिस्कस किया था, थोड़ा सा हम इसका एक बारी दोबारा से बाउंड्रीज देख लेते हैं। तीन पार्ट्स में हमने पता है हमने बाउंड्री डिवाइड की हुई है, वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न। ईस्टर्न इज मैकमोहन लाइन जो कि कंटेंशियस इशू है। तो मैकमोहन लाइन वो एक्चुअली इसका इशू ये है कि ये साइन हुआ था तिब्बत और इंडिया के बीच में, ठीक है, इन 1914 शिमला एग्रीमेंट में, तो एक एग्रीमेंट था तो उस टाइम पे ये साइन हुआ था। तो चाइना इसको इसलिए नहीं मानता, चाइना का कहना है कि तिब्बत तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं, ये तो चाइना का ही पार्ट है, तो ये हमारी तरफ से कैसे कोई भी ये बाउंड्री साइन कर सकता है। तो ये एक इशू है, इसको हम किसी और वीडियो में बहुत डिटेल से समझेंगे, लेकिन ये है कि क्यों नहीं मानता चाइना। ठीक है, चाइना ने ही कॉन्फ्रेंस इन्वाइट की थी ये, तो तीन पार्टीज थी, तिब्बत, इंडिया एंड चाइना, बट चाइना बीच में ही उठ के चला गया था उस टाइम पे 1914 में। तो फाइनल जो ये साइन हुआ था इट वॉज बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। तो अब चाइना का कहना है कि नहीं हम कैसे मान लेंगे, ठीक है, हमारा तो अलग है, हम नहीं मानते ये मैकमोहन लाइन। तो ये एक इशू है। सेंट्रल सेक्टर में हमें पता है 12 होती प्लेन, थोड़ा सा है ये, वैसे कम है इशू, लेकिन अब इसमें भी होता है डोकलाम, ये इशूज हैं, है ना। वेस्टर्न सेक्टर में अक्साई चिन में हमें पता है कि अगेन ये थैंक्स टू द ब्रिटिशर्स की दो लाइन्स हैं, जॉनसन एंड मैकडोनल्ड्स, है ना। तो जॉनसन लाइन जो है वो कहती है कि अक्साई चिन इज पार्ट ऑफ इंडिया, और मैकडोनल्ड्स लाइन है वो ये कहती है कि अक्साई इज पार्ट ऑफ चाइना। तो अब चाइना कह रहा है कि हम इसको मानेंगे, इंडिया कह रहा है हम इसको मानेंगे, तो दोनों के बीच में ये जो प्रॉब्लम है ये चली रहती है। क्लियर, तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है, साहित्य अवार्ड्स जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं। तो सबसे पहले साहित्य अवार्ड्स, लिटरेचर अवार्ड्स हैं, हम देखते हैं क्या होते हैं। दे आर साहित्य अकेडमी अवार्ड्स एस्टैब्लिश इन 1954 इज अ लिटरेरी ऑनर दैट इज कन्फर्ड एनुअली बाय साहित्य अकेडमी, इंडियाज नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स। ओके, इट गिव्स 24 अवार्ड्स एनुअली टू द लिटरेरी वर्क्स इन लैंग्वेजेस इट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड एंड इक्वल नंबर ऑफ अवार्ड्स टू लिटरेरी ट्रांसलेशंस इनटू लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तो 22 तो हमारी इंडिया की लैंग्वेजेस जो कवर होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो हैं,
अदर देन दैट ये इंग्लिश और राजस्थानी को भी कवर करता है. ओके तो इंग्लिश और राजस्थानी दे आर नॉट इन एट्थ शेड्यूल. ये एट्थ 22 आर इन एट्थ शेड्यूल लैंग्वेजेस. एट्थ शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं वो वाली प्लस इंग्लिश और राजस्थानी, तभी ये टोटल 24 जो है होता है. तो इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द ज्ञानपीठ अवार्ड. ज्ञानपीठ अवार्ड के बाद ये सेकेंड हाईएस्ट है. तो पहले नंबर पे ज्ञानपीठ, सेकेंड पे साहित्य अकेडमी. थोड़ा सा हम देख लेते हैं किस किस को मिले हैं. तमिल ऑथर एम राजेंद्रन, तेलुगु राइटर माधुरथकम नरेंद्र एंड संस्कृत पोएट जनार्दन पांडे मणि आर अमंग द 23 ऑथर्स हु वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर 2022. अनुराधा रॉय हैज बीन सिलेक्टेड फॉर हर इंग्लिश नॉवल ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड. ओके तो ये भाषा सम्मान ये कुछ कुछ लोगों को दिया गया है. ये पूरे आपको पूरी लिस्ट है हर में, जैसे कोंकणी में किसको मिला है, तेलुगु में, उर्दू में, डोगरी में, हमने राजस्थानी में, हमने कहा ना इतने अवार्ड्स हैं, तो ये किस किस को मिला है, तो ये सारा इसमें मेंशन जो है किया है. ओके तो ऐसे यूपीएससी आपको इंडिविजुअल तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी एक बार अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो किसी स्टेट का, तब आपको ये पता होना चाहिए. क्लियर. साहित्य अकेडमी एक युवा पुरस्कार होता है. युवा पुरस्कार उस राइटर को, उस ऑथर को दिया जाता है जिसका एज होता है 35 ईयर्स, उससे कम. तो युवा इज फॉर लेस देन 35 ईयर्स. वॉज अवॉर्डेड टू पवन नालत फॉर इज मराठी पोइट्री. और उसके बाद एक बाल साहित्य पुरस्कार होता है. बाल साहित्य पुरस्कार जो चिल्ड्रन लिटरेचर, ठीक है, जो चिल्ड्रन लिटरेचर के लिए लिखते हैं उनको दिया जाता है, और उनके लास्ट के 5 ईयर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन के बेस पे. ठीक है, तो बाल साहित्य में थोड़ा चेंज हो जाता है कि लास्ट के फर्स्ट तो चिल्ड्रन लिटरेचर और लास्ट के सिर्फ 5 ईयर्स बेस पे ही दिया जाता है. युवा 35 ईयर्स से कम वाले को दिया जाता है. 3 मेंबर्स का जूरी, उसके बेसिस पे ये जो है सिलेक्शन जो है किए जाते हैं. तो क्राइटेरिया क्या है साहित्य अकेडमी में चूज करने का, ठीक है, तो ऑथर मस्ट बी ऑफ इंडियन नेशनैलिटी. नॉर्मली इन अवार्ड्स में यही पूछते हैं कि फॉरनर्स को भी मिल सकता है कि नहीं. द ऑथर मस्ट बी ऑफ इंडियन नेशनैलिटी. बुक्स वर एलिजिबल फॉर द अवार्ड मस्ट बी एन आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू लैंग्वेज एंड लिटरेचर टू विच इट्स बिलोंग. अगर दो ही हों, वेन इक्वल मैरिट ऑफ बुक्स ऑफ टू और मोर आर फाउंड, तब क्या होता है कि फिर उसका टोटल लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन देखा जाता है ऑथर का, तो फिर उसके हिसाब से इसको अवार्ड जो है दिया जाता है. तो ये याद रखना है कि इंडियन नेशनैलिटी एंड 24 languages. दो हमने आपको अवार्ड स्पेशली डिस्कस करे. एक बाल साहित्य पुरस्कार, इट इज गिवन टू ऑथर बेस्ड ऑन हर टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू चिल्ड्रन लिटरेचर एंड रिलेट्स टू द बुक्स फर्स्ट पब्लिश ड्यूरिंग द 5 ईयर्स इमीजिएटली प्रोसीडिंग द ईयर ऑफ अवार्ड. अगर 25 में अवार्ड मिलना है तो पिछले 5 साल की बुक्स को कंसिडर किया जाएगा फॉर चिल्ड्रन. ओके लिटरेचर, ऐसा नहीं कि बाल साहित्य तो बच्चों को दे रहे हैं, नो, वो ऑथर जो चिल्ड्रन लिटरेचर में कॉन्ट्रीब्यूट करता है. युवा पुरस्कार रिलेट्स टू द बुक पब्लिश बाय एन ऑथर बिलो द एज ऑफ 35, और ठीक है ये है. क्लियर. तो दूसरा हमने देखा कि जो हाईएस्ट अवार्ड है साहित्य अकेडमी इज द सेकेंड हाईएस्ट ना. ज्ञानपीठ इज द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया एंड कैन ओनली बी कन्फर्ड एनुअली अपॉन एन इंडियन सिटीजन. साहित्य अकेडमी भी इंडियन सिटीजन पे भी है, ज्ञानपीठ भी इंडियन सिटीजन के पे पर है. ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, ये याद रखना है. इसमें इंग्लिश अलॉन्ग विद अदर लैंग्वेजेस मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड फॉर द अवार्ड. तो इसमें इंग्लिश प्लस एट्थ शेड्यूल, इसमें राजस्थानी नहीं है. ठीक है, जो दोनों के बीच में डिफरेंस है कि वो साहित्य राजस्थानी को भी दिया जाता है, इसको नहीं दिया जाए, यहाँ पे नहीं दिया जाएगा. कैश प्राइस 11 लाख का होता है. इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भारतीय ज्ञानपीठ. ठीक है, तो जो एसमीज पोस्ट पोएट हैं उनको 56th मिला का, और कोंकणी नॉवलिस्ट को 57th जो है ज्ञानपीठ अवार्ड जो है मिला था. ठीक है जी, चलो आज के लिए इतना ही. ठीक है, अब हम एडिटोरियल्स में मिलते हैं. एडिटोरियल्स को डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है.